Godlike Esports, Reverend Esports, Velocity Gaming, ये सारे इंडिया के टॉप टीम्स अपने वैलोरेंट रोस्टर्स तो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन अब बाकी पूरी दुनिया में बहुत सारे टीम्स अपने वैलोरेंट रोस्टर्स को या तो ड्रॉप या तो सीधा डिसबैंड कर रहे हैं TYFS। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि ये टीम्स की इतनी गंदी नौबत आ गई है? क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ वैलोरेंट में है कि क्या BGMI में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? ये जानने के लिए पूरा एपिसोड एंड तक देखना। यू गाइस आर वाचिंग ईस्पोर्ट्स दिस वीक, पार्ट बाय ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। चैंपियंस नाइफ बहुत लोग के पास है इन गेम, लेकिन IRL सिर्फ मेरे पास है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना हो वरना यही। तो शुरू करते हैं BGMI से। इस हफ्ते तो यार बहुत एक्साइटिंग चीजें हो रही है, BGMS BGIS दोनों साथ में चल रहे हैं एंड BGMS का फर्स्ट सुपर वीकेंड कंप्लीट हो गया है। हमारी टीम टॉप 3 में आ चुकी है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर बॉयज फॉर दैट, बट वी कैन नॉट सेलिब्रेट येट। याद रखना ये सिर्फ फर्स्ट सुपर वीकेंड है और अभी काफी लंबा रास्ता बाकी है, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी एंड वी विल नीड टू बी अ लॉट मोर कंसिस्टेंट। अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते के सुपर वीकेंड में काफी टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई, Godlike, Velocity, Revenant, WSB, NTD Gaming, True Rippers, all of these guys were not able to make it to the Super Weekend. इसका मतलब उनको इस हफ्ते के अगले हफ्ते के लीग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सुपर वीकेंड पहुंचने के लिए, और एक बार वो वहां पे पहुंच गए तो उनको और भी कैचअप करना पड़ेगा क्योंकि बाकी टीम्स के पास ऑलरेडी एक दूसरे वीकेंड का पूरा लीड है। मीनवाइल BGIS की बात करते हैं और वहां पे तो अंडरडॉग्स मुझे बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। काफी सारी रेप्यूटेड टीम्स जैसे कि टीम स्नैक्स, टीम इनसेन, वी आल्सो हैव न्यूमन, वो लोग BGIS द ग्राइंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अगर आप बाकी टीम्स का नाम देखोगे ना जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं अगले राउंड के लिए, उनमें से काफी नाम आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। इसका मतलब अंडरडॉग्स आर रियली राइजिंग इन दिस टूर्नामेंट। और अब ये जो रेप्यूटेड टीम्स है उनको भी BGIS के इन गेम क्वालिफायर के थ्रू जाना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा टफ हो सकता है। वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड कि बहुत सारे अंडरडॉग्स द ग्राइंड में उभर के आ रहे हैं एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर द टीयर 2 एंड टीयर 3 सीन ऑफ इंडिया। एक्चुअली देखिए तो इंडिया का टीयर 2 टीयर 3 सीन इन BGMI काफी सॉलिड है ऑलरेडी, बहुत सारे स्क्रिम ऑर्गेनाइजर्स है, बहुत सारी प्रैक्टिस होती रहती है और ये टीम जितना आपस में खेलती है उनको एक्सपोजर भी मिलता है ताकि वो और आगे बढ़ सके। अनफॉर्चुनेटली जितना अच्छा टीयर 2 सीन BGMI का है, आई कांट से द सेम फॉर Valorant। सो व्हाई डिड इंडियन टीम्स लाइक Godlike, Velocity, Revenant, उन्होंने अपने रोस्टर्स को गुड बाय क्यों कहा, TYFS क्यों कर दिया? एंड एक्चुअली ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है गाइस, दुनिया के हर एक कोने में ऐसा हो रहा था, यूरोप में, अमेरिकाज में, हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई टीम चैलेंजर्स में खेलती है लेकिन असेंशन नहीं पहुंच पाई, सीधा उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर वो असेंशन पहुंच के आगे नहीं जा पाते, डिसबैंड हो जाते हैं, सीधा TYFS। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली देखे ना दोस्तों, अगर हम ये एक ऑर्ग के पर्सपेक्टिव से सोचे तो उनके लिए बहुत ही फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाता है ऐसा करना। अब उन लोग का सीजन तो खत्म हो जाता है जून में, मोस्टली जो चैलेंजर लीग्स है फरवरी या मार्च में शुरू होंगे, जून में खत्म होते हैं, उसके बाद क्या करोगे बाकी के साल? एक दो महीने तो तुम्हारे LCQ चैंपियंस में चले जाएंगे, उसके बाद आएंगे ऑफ सीजन इवेंट्स और ऑफ सीजन इवेंट्स के लिए भी ये टीम्स रुकना नहीं चाहते। सो दे वुड रादर ड्रॉप द रोस्टर नाउ, 6 महीने का सैलरी बचा के वो अगले सीजन शुरू होने से पहले एक नया रोस्टर उठाएंगे, विच एज यू कैन टेल इज वेरी अनसस्टेनेबल, राइट? क्योंकि प्लेयर को तुम उठा भी लोगे तो क्या गारंटी है कि वो परफॉर्म कर पाएगा इतने छोटे से प्रैक्टिस में बाय जस्ट असेंबलिंग देम अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर द टूर्नामेंट, और मॉनेटरी वाइज भी उनको गुड सेंस बना नहीं रहा है। इसी के कारण बहुत सारे प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन, टीम ओनर्स राइट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कैसे उनका टीयर 2 सिस्टम हल्का सा अनसस्टेनेबल हो रहा है। ऊपर से द ट्वीट्स ऑफ लियो फेरिया जो कि Valorant के ग्लोबल हेड है, His tweets were found to be in poor taste. तो ये ऐसा होगा कि आप आग के ऊपर तेल डाल रहे हो। Keeping all of this in mind, Riot ने एक नया change implement किया है जो कि अगले साल से लागू होने वाला है and it changes the entire ecosystem. First of all, premier events will now be directly connected to challengers. तो in-game qualify से भी people को आगे आने का मौका मिलेगा। Challengers का जो system है वो बहुत change होने वाला है। अब तक challengers साल में एक बार होता है, you know, starts in February and somewhere in June, July. लेकिन इस बार वो दो बार होगा एक ही साल में। पहले तो इन द नॉर्मल पीरियड, सेकेंड आफ्टर चैंपियंस। बाय स्प्रेडिंग आउट द चैलेंजर्स टूर्नामेंट थ्रू आउट द ईयर ना, जो भी टीम्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है उनके सैलरी एक्सपेंडिचर्स, उनकी स्टेबिलिटी वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, तो उनके ऑपरेशंस भी जस्टिफाई हो जाते हैं। सेकेंडली असेंशन जो है वो भी आफ्टर चैंपियंस होगा अगले साल। दे फील लाइक
इस बार असेंशन को उतना भाव मिला नहीं, इतना वो जो हाइप है वो बना नहीं जितना बनना चाहिए था. सो अगले साल इट विल बी आफ्टर चैंपियंस, सो दैट इट मेक्स सेंस इन अ स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव. इस साल प्रॉब्लम क्या हुआ था, चैलेंजेस जब चल रहा था तो साथ में हमारा फ्रेंचाइज लीग भी चल ही रहा था, तो लोगों को बिटवीन द टू ऑफ देम ऑब्वियसली फ्रेंचाइज लीग इतना ज्यादा पसंद रहेगा, तो चैलेंजर्स के व्यूअर्स जो थे वो इतने ज्यादा नहीं थे. एंड बाई गिविंग इट मोर अटेंशन ऑल थ्रू आउट द ईयर एंड स्प्रेडिंग इट आउट, वी हैव मोर चांसेस टू गेट व्यूअरशिप, विच इज अल्टीमेटली काफी इंपॉर्टेंट. हाँ, शायद फर्स्ट हाफ के लिए देयर वोंट बी एन ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट, वो बोल रहे हैं शायद वॉच पार्टी करेंगे, लेकिन ये सारी डिटेल्स अब तक फाइनलाइज हुई नहीं है, तो उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे जैसे ही वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन. इन शॉर्ट, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर चैलेंजर टीम्स, एसेंशन टीम्स को भी ज्यादा भाव मिलने वाला है, एंड प्रीमियर प्लेयर्स को तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. इससे क्या होगा, जो वैलोरेंट का अंडरडॉग सीन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, एंड ऑल दीज प्लेयर्स विल गेट अ चांस टू शोकेस देयर टैलेंट ऑन बिगर प्लेटफॉर्म्स एंड होपफुली मेक इट टू द फ्रेंचाइज लीग लेटर ऑन. बट बिफोर वी डिस्कस अगले साल क्या होने वाला है, हम पहले डिस्कस करते हैं कि इस साल क्या होगा. ऑफ सीजन इवेंट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं, बहुत सारे ऑफ सीजन इवेंट्स होने वाले हैं. एक्चुअली काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ईएमईए में इतने ज्यादा ओपन इवेंट्स नहीं है, जो भी होने वाले हैं वो या तो इन्फ्लुएंसर टूर्नामेंट्स है या तो इन्वाइटेड इवेंट्स है. इनफैक्ट जोक तो ये चल रहा है कि इंडिया में ज्यादा ऑफ सीजन इवेंट्स होने वाले हैं एज कम्पेयर टू ईएमईए. आई डोंट नो इफ वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, बट इंडिया में 3 अमेजिंग टूर्नामेंट्स अनाउंस हुए हैं. The first one is going to be the Galaxy Racer Tournament, जो कि last year भी हुआ था in Hyderabad as a LAN. Next one is going to be executed by Penta Esports. और तीसरा जो off-season event है, is an official off-season event executed by the Esports Club. क्या, that's quite a lot of things to look forward to. अगले साल बहुत exciting चीजें होने वाली है. ये साल के off-season events में बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है. But before we think so far in the future, पहले ये देखते हैं कि इस weekend क्या होने वाला है. Valorant Champions तो पूरे धूमधाम से चल रहा है. Playoff stage खत्म हो गया है. And some of the most amazing teams in the world have qualified. अगले हफ्ते तो हमें इसका finals भी देखने मिलेगा. Group A से PaperX और Edward Gaming qualify हो चुके हैं. PaperX के लिए तो काफी आसान path था towards the front, लेकिन Edward Gaming ने बहुत अच्छा performance दिखाया है. And I think they can do even better than they did in Masters last time. Group B से Evil Geniuses and Foot Esports qualify हो चुके हैं. EGA qualification तो was expected, no surprises. But for Foot, this was quite an important event. Masters Tokyo में वो लोग playoff में नहीं पहुंच पाए. वो लोग प्लेऑफ के पहले ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो गए थे, इसलिए फॉर देम मेकिंग इट टू द प्लेऑफ ऑफ चैंपियंस इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. ग्रुप सी वाज प्रोबब्ली द मोस्ट एक्साइटिंग वन. पहले तो वहां पे फनाटिक बिना किसी प्रॉब्लम के आगे क्वालिफाई हो गई है, एंड फनाटिक आर लुकिंग फॉर देयर थर्ड कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट विन. वो लॉक इन ऑलरेडी जीत चुके हैं, मास्टर्स टोक्यो जीत चुके हैं, एंड इफ दे विन चैंपियंस दे विल क्रिएट हिस्ट्री. उनका हैट्रिक हो जाएगा गाइस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड द सेकंड टीम दैट्स क्वालिफाइड इज बिलीबिली गेमिंग, अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कंटेंडर. Keep in mind, ये तो उनका पहला इंटरनेशनल इवेंट था. No exposure before this, no experience before this, और उन्हें पहले ही आते ही एनर्जी को हरा दिया. In fact, they faced एनर्जी once again later in the lower bracket. एक रिवेंज मैच हुआ था और वहां पे भी उन्हें एनर्जी को फिर से हराया. And this gave them the ticket to the playoffs. पहला इंटरनेशनल इवेंट और ऑलरेडी playoff पहुंच गए. What a performance. Then we move on to group D. And यहाँ पे टॉप सीड था DRX. लेकिन सेकंड टीम जो ग्रुप डी से क्वालिफाई हुई है वो है लाउड. एंड लाउड फैंस के लिए ये पूरा ग्रुप से बहुत स्ट्रेसफुल था. एक तो उनकी मास्टर्स में परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी, तो मतलब एक्सपेक्टेशंस पूरे नीचे हो गए थे. उसके बाद उन्हें जब लिक्विड को हराया तो फिर भी ठीक लगा. बाद में व्हेन लाउड वाज फेसिंग नावी, यार इतने क्लोज गेम्स जा रहे थे, हर एक मैप लिटरली 13-11 के स्कोर से गया. एंड लाउड फैंस को बहुत ज्यादा धक-धक हुआ रहेगा, बट दे क्वालिफाइड रिगार्डलेस एंड वी गेट टू सी देम इन द प्लेऑफ्स एज वेल. प्लेऑफ्स में थिंग्स गॉट वाइल्डर. वो हो गया व्हिच नोबडी एक्सपेक्टेड. Fnatic lost their first game in a very long time. Loud ने उन्हें हरा के lower bracket में भेज दिया. And given Fnatic's current form, किसी ने ये expect नहीं किया था. Fnatic का lower bracket run फिलहाल के लिए तो safe है, क्योंकि उन्होंने अभी just Foot Esports को eliminate किया. But it will be very upsetting अगर Fnatic finals नहीं पहुंचती है तो. Secondly, the other elimination game was an all Chinese showdown. Bilibili Gaming versus Edward Gaming का एक बहुत ही धमाकेदार fight हुआ. और ये दोनों teams तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इनके बीच का मुकाबला was full of brain games and counters. Dude, I'm telling you, these playoffs they're gonna be crazy. And more importantly, इससे ज़्यादा तो exciting होएगा अगले हफ्ते का weekend जब हमें finals देखने मिलेगा. वहाँ पे we will not just get to see a new winner. I have a feeling we will get to see a lot more. To find out what they are teasing,
हमने हमारे डिटेक्टिव को, हमारे डिटेक्टिव को मतलब मेरे ऑल्टर ईगो को काम पे लगाया। नमस्ते, मेरा नाम है डिटेक्टिव व्योमकेश क्रिप्सी। पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने डेडलॉक के सीक्रेट्स रिवील किए थे, लेकिन इस बार ये वीडियो को मैं एनालाइज करने वाला हूँ जहाँ पे डेडलॉक साइफर को एक पेन ड्राइव देने वाली है। अब ये पेन ड्राइव जैसे ही साइफर अंदर प्लग इन करता है ना, नोटिस क्या आता है इसके स्क्रीन पे, ये देखिए, ये एक छोटे से मिनी ऐप की तरह नहीं लग रहा। मैं अगर इसे गौर से देखूं ना तो ये किसी भी करंट मैप को रिजेंबल नहीं कर रहा, एंड दिस प्रोबेबली मींस कि ये एक नए मैप का टीजर हो सकता है शायद से। बट ये इकलौता टीजर नहीं है गाइस, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाने वाला हूँ। मैं ये वीडियो प्ले आउट करूंगा और गौर से ये डायलॉग को सुनना। What do you think? Will he listen? यहाँ पे ये ही कौन है, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, क्या ये एक नया एजेंट हो सकता है? देखो दोस्तों, वैसे भी रायट ने हमें कहा था कि वो साल में 3 नए एजेंट्स रिवील करने वाले हैं, जिसमें से गेको और डेडलॉक तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये शायद तीसरे एजेंट का हिंट हो सकता है। एंड वो हर एक बड़े टूर्नामेंट के बाद कुछ ना कुछ नया रिवील करते ही है। लॉक इन में उन्होंने गेको को रिलीज किया, बाद में मास्टर्स टोक्यो में उन्होंने 3 डेथ मैच हमें दिखाया, चैंपियंस के एंड में शायद ये आ सकता है। क्या लगता है क्या होगा ये, जल्दी से हमें कमेंट्स में बताओ, व्हाट डू यू थिंक दिस इज गोना बी। देखो दोस्तों, मुझे मेरी डिटेक्टिव स्किल्स पे काफी भरोसा है, मच मोर देन माय क्लचिंग स्किल्स, एंड आई थिंक वी विल गेट ईदर अ न्यू एजेंट और अ न्यू मैप, या फिर मे बी बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ चैंपियंस। सो दिस एंटायर ईयर इज गोना बी अमेजिंग। चैंपियंस की बात तो बहुत सारे ऑफ सीजन भी आ रहे हैं, उसके बाद अगले साल का जो रोड मैप है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। सो रायट इज गोइंग टू ट्रीट अस रियली रियली वेल, साथ में तो सुपर वीकेंड भी आने वाला है। सो आई थिंक वी आर अबाउट टू सी सम बैंगर ई-स्पोर्ट्स मैचेस गाइस। तैयार रहना अपने पॉपकॉर्न के साथ, बिकॉज तुम लोग बहुत जल्दी उसको खत्म करने वाले हो। सो अंटिल देन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी करना, और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। वील सी यू सून। डोंट यू थिंक दिस लुक्स लाइक अ जेट नाइफ बट लाइक प्रिटियर? गुड थिंग आई हैव 3 ऑफ देम। अब किसको मारूं?